हरदोई जिले से काफी दूर दूर से लोग जो है वो हजरत बाबा रब्बानी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और पछाड़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस आस्थाने पर आते हैं। आलह का वो खूबसूरत आस्थाना यहाँ पर बना हुआ है। इस वक्त आपका 33वां उर्स जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है। जो उर्स का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर दिखाया गया है। जब सैयद रब्बानी शाह कादर झाड़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के खोला जाएगा और दुबई थीम पार्क जो है वो बना हुआ है। इसके अंदर एफिल टावर वगैरह तमाम को देखने को मिलेंगे। आप देखिए ये कप का कितनी बेहतरीन दुकानें हैं और कितने बेहतरीन बेहतरीन जो कप है। मेले को जो है हर तरफ से जोन में बांटा हुआ है। एक तरफ फाइबर का सामान है तो एक तरफ कांच का सामान है और इस तरफ जो है ये कपड़ों का जोन बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे चैनल स्टोरी ऑफ वलिया लाभ। तो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के संडीला में हैं। यहाँ पर हजरत रब्बानी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और फुज़ाड़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का 33वां उर्स जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है। यहाँ पर एक अजीमुशान मेला भी लगता है। तो आज हम आए हैं उसी मेले में शिरकत के लिए। तो आपको दिखाने वाले हैं किस तरह का यहाँ पर माहौल होने वाला है। तो चलिए खुद भी ज़्यारत करते हैं और आपको भी ज़्यारत करवाते हैं हजरत शाड़ी साहब बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने की। तो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के ज़िले हरदोई के संडीला में मौजूद हैं, जहाँ पर हजरत झाड़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना मुबारक है। और काफ़ी बड़ा जो है वो संडीला के अंदर ये मेला लगता है और कसी तादाद में जो संडीला के लोग हैं इस मेले में शिरकत करते हैं। तो आज मुझे भी जो है वो शर्फ हासिल हुआ है हजरत रब्बानी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस आस्थाने पर आने की। तो आज मैं पूरा मेला आपको दिखाने वाला हूँ, घुमाने वाला हूँ किस तरह का इस मेले में दुकान है और क्या माहौल है यहाँ पर झाड़ी साहब बाबा के इस उर्स में। और काफ़ी मशहूर मेला है इस इलाके का और 4 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक ये मेला जो है वो रहने वाला है। 10 दिनों तक ये मेला लगता है जिसमें तमाम तरह की दुकानें और तमाम तरह के झूले वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। सामने ये एंट्रेंस गेट है हजरत रब्बानी शाह कादर उर्स झाड़ी साहब बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का और इसी के अंदर जो है वो आपका वो खूबसूरत आस्थाना जो है वो बना हुआ है। अंदर चल करके आपको अभी हम ज़ियारत करवाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि कितना खूबसूरत जो माहौल है वो हजरत झाड़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की आस्थाने पर रहने वाला है। लाइटिंग का डेकोरेशन जो है वो भी बेहतरीन किया गया है। काफ़ी लाइटें यहाँ से वहाँ तक डेकोरेट की गई हैं और माशाल्लाह रात में जो मंज़र है वो बिल्कुल देखने लायक होता है। तो अभी हम आस्थाने के करीब पहुँच रहे हैं, वहाँ चल कर के भी आपको माहौल दिखाएंगे किस तरह आस्थाना है। तो इस वक्त हम आस्थाने के सहन के अंदर हैं। आप देख सकते हैं उस तरफ बाबा झाड़ी शाह बाबा का जो आस्थाना है वो है और यहाँ पर वो तमाम खाने पीने की दुकानें जो है आस्थाने के सहन के अंदर जो है वो लगी हुई हैं। इस तरफ भी सोहन हलवा वगैरह जो है वो लगा हुआ है और काफ़ी बेहतरीन माहौल जो है वो इस वक्त दरगाह के करीब का है। तो माशाल्लाह मैं दिखाऊं क्या आस्थाने के सहन के करीब जो ये तमाम दुकानें जो है यहाँ पर सजी और रची हुई हैं। कसीर तादाद में जो ज़ायरीन है वो इस दरगाह कैंपस में काफ़ी तादाद में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और हरदोई ज़िले से काफ़ी दूर दूर से लोग जो है वो हजरत बाबा रब्बानी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और पछाड़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस आस्थाने पर आते हैं और आपके फ़ुज़ूल बरकात से माला माल होते हैं। और ये वो आस्थाना है हजरत झाड़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये हजरत झाड़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो खूबसूरत आस्थाना यहाँ पर बना हुआ है। इस वक्त आपका 33वां उर्स जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है। काफ़ी दूर दराज से जो लोग हैं वो आपके उसमें शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। मैं दरगाह के अंदर का नज़ारा दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ कि किस तरह का इस सामने ही आपका खूबसूरत आस्थाना है और हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनूठी मिसाल जो है हजरत बाबा रब्बानी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पे आपको देख रहे हैं। वो महफिल
शमा है जहाँ महफिल खान का है, महफिल शमा की वो बिल्डिंग बनी हुई है। उधर पीछे भी जो है वो मेला रचाया और सजाया जाता है, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये यहाँ पर किस तरह का 33वें उर्स का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर दिखाया गया, जद सैयद रब्बानी शाह कादर झाड़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के किस तरह से कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर मनाए जाएंगे, वो यहाँ पर तमाम तरतीब से जो है वो लिखा हुआ है। आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम प्रोग्राम है वो हज़रत बाबा रब्बानी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में होंगे, वो यहाँ पर तमाम लिखे हुए हैं। आज 9 तारीख है और सुबह जो है वो आपका कुल था, और कुल के बाद जो है तमाम तकरीबात जो है वो पूरी की गई। उधर उस गेट के अंदर जो है एक बहुत बड़ा मेला जो है वो लगता है, अभी हम वहाँ चलकर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मेला जो है वहाँ पर लगा हुआ है। मेला काफ़ी बड़ा लगता है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन का भी इंतजाम है, खोया पाया केंद्र का कैंप भी जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का मेला होगा। और ये सामने जो गेट है और ये खानकाह है सज्जादा नशीन की, जो ये बिल्डिंग है यहाँ पर खानकाह की जो सज्जादा नशीन है वो रहते हैं। और सामने जो है इसके अंदर जो है वो मेला जो है लगता है, अभी हम आपको अंदर चल कर के भी दिखाएंगे कि किस तरह का वहाँ पर मेला लगा हुआ है। मेले के उस ग्राउंड के अंदर इस वक्त हम इंटर कर चुके हैं। इधर देखिए आप, खाने पीने की भी तमाम बड़ी बड़ी दुकानें जो है वो लगाई गई हैं, तमाम होटल भी यहाँ पर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह की तमाम दुकानें जो है मेले के अंदर आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी, मुरादाबादी चिकन बिरयानी, लखनवी कबाब, तमाम दुकानें, चाटा चाउमीन की बेहतरीन बड़ी बड़ी दुकानें जो है वो आपको इस मेला ग्राउंड के अंदर देखने को मिलेंगी। आप देखिए कि किस तरह से तमाम लोगों ने अपनी दुकानों को, ये बड़े बड़े स्टॉल जो है वो हजरत झाड़ी साहब बाबा के इस आस्थाने पर लगाए हुए हैं। और काफ़ी बड़ा जो ये मैदान है और इसके अंदर ही हजरत झाड़ी साहब बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मेला जो है वो रचाया और सजाया जाता है। और इस साल जो है हजरत झाड़ी साहब बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मेला 4 नवंबर से 13 नवंबर तक मनाया जाएगा, और 10 दिनों तक सजने वाले इस मेले में दूर दराज से जो लोग हैं वो आकर के शिरकत करते हैं और यहाँ पर मेले का लुत्फ लेते हैं। और तमाम बड़ी बड़ी दुकानें आपको खाने पीने की देखने को मिलेंगी। और 33वां उर्स जो है वह हजरत झाड़ी शाह बाबा का इस वक्त मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये इधर है झूले का जो जोन है वो बना हुआ है, बड़े बड़े झूले जो है वो सभी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। उधर जो है वो दुबई थीम पार्क भी बनाया गया है, वो भी अगर मैं उधर गया तो आपको दिखाऊंगा। और पुलिस चौकी का ये जोन 2 है, और इधर वो जो तमाम झूले वगैरह हैं मेले का जो झूला जोन है वो यहाँ पर बना हुआ है। अभी शाम के वक्त जो है ये तमाम झूले वगैरह जो है वो चालू होंगे। तो ये देख सकते हैं ये झूले का पूरा वो एरिया जहाँ पर तमाम झूले वगैरह लगे हुए हैं। बगल से जब आएंगे तो देखेंगे तमाम खरीदो फरोख का जो मार्केट है वो आपको इस साइड पर देखने को मिलेगा। इस साइड पर जो है तमाम खरीदो फरोख के वो मार्केट जो है वो बने हुए हैं, आप देखेंगे इस साइड तमाम जो मार्केट वगैरह है वो बना हुआ है। ऊपर जो है वो दुबई थीम पार्क बना हुआ है, देख सकते हैं। और ये जो है अभी शाम के वक्त इसको खोला जाएगा, और दुबई थीम पार्क जो है वो ये बना हुआ है, इसके अंदर एफिल टावर वगैरह तमाम ऐतिहासिक इमारतों के जो नक्शे हैं वो इसमें बनाए गए हैं। और सामने देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम स्टॉल वगैरह जो है वो लगे हुए हैं, खरीदो फरोख्त के तमाम सामान जो है वो मेले के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपकी ज़रूरत के सामान हो वो आप मेले के अंदर देख सकते हैं। और कई काफ़ी बड़ा दायरा है, आप ये देखिए ये इस गले में तमाम जो है वो दुकानें हैं, और कितनी दूर तक जो है वो तमाम दुकानें लगी हुई हैं। इसके बगल में भी इस तरह की कई गलियां जो है वो हर तरफ बनाई गई हैं। आप पहली गली थी, ये दूसरी गली है,
तमाम घर के खरीदो फरोख्त के जो सामान है वो आपको इन गलियों के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। अब देखिए इस तरह की 3 से 4 गलियां हैं और इन गलियों का जो दायरा है वो कम से कम 200 से 300 मीटर के तकरीबन होगा। अभी हम अंदर जा कर के भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सामान जो है उस मेले के अंदर मौजूद है। आपकी भी दुकानें तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर आप देखेंगे तो एक दाम की दुकानें मौजूद है। और हरदोई ज़िले के अंदर काफ़ी बड़ा मेला माना जाता है और दूर दराज से जो लोग हैं वो ख़रीदो फरोख्त करने के लिए इस मेले के अंदर आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम सामान जो है वो मेले के अंदर मौजूद हैं बिल्कुल। और काफ़ी अच्छा मेला घूम के लग रहा है कि काफ़ी बड़ा जो है वो मेला ये लगा हुआ है। तमाम सीनरी वगैरह जो आम मेलों में मौजूद रहता है वो इस झाड़ी शाह बाबा के मेले में भी मौजूद है। और 13 तारीख तक जो है ये मेला जो है चलने वाला है। अभी आप देख सकते हैं, मैं अंदर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हैं काफ़ी हर तरफ जो है वो दुकानें ही दुकानें लगी हुई हैं। अंगूठियों का भी बेहतरीन कलेक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इस तरफ भी तमाम दुकानें जो है, इस तरफ भी तमाम दुकानें हर तरफ लगी हुई हैं। और आम ज़िंदगी की खरीदो फरोख्त के जो तमाम सामान जो है वो आपको अजत झाड़ी शाह बाबा के इस मेले में देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी तादाद में जो है वो दुकानें जो है यहाँ पर लगी हुई हैं। तमाम दुकानें जूते चप्पल लकड़ी के घरेलू सामान उन सबों की दुकानें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। और हर माल 6 रुपए में भी लगा है, आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन चीज़ें जो है वो 6 रुपए में आपको इस स्टॉल पर देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी आपको पसंद आए आप 6 रुपए में उस चीज़ को ले सकते हैं। देखिए किस तरह से काफ़ी भीड़ लगी है लोगों की 6 रुपए में जो है अपने पसंद की चीज़ लेने को। और ये इधर जो है टी कप भी लगे हुए हैं, तो बच्चों से भी रिलेटेड जो खिलौने हैं वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम बेहतरीन दुकानें जो है हजरत झाड़ी शाह बाबा के इस मेले के अंदर लगी हुई हैं। और ज़्यादातर दुकानदारों ने जो है अपने रेट जो है वो फिक्स करके रखे हुए हैं। अब देखिए एक दाम जो है उन्होंने रेट लिस्ट जो है वो लगाई हुई है, तो ख़रीदने वाले और बेचने दोनों को ही एक रेट की अगर दुकान है तो आराम हो जाती है बिल्कुल। वाकई काफ़ी बड़ा मेला जो है वो लगा हुआ है और खोया पाया केंद्र बनाया हुआ है तो बिल्कुल सही बनाया हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा मेला है काफ़ी दायरे में लगा हुआ है और छोटे बच्चे जो है अगर वो घूम जाएंगे तो उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी कई गलियां जो है वो मेले के अंदर बनी हुई हैं। और काफ़ी बड़ा मेला है, हर तरफ जो है तमाम इस तरह की दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए फाइबर का जो तमाम सामान प्लेटें वगैरह डोंगे वगैरह जो है वो काफ़ी तादाद में इस तरफ जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन दुकान जो है वो सजाई गई है। और ये इस तरफ भी तमाम फाइबर के सामान की दुकानें जो है वो लगी हुई, हर तरफ इस तरह का फाइबर का सामान जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कप का जो बेहतरीन कलेक्शन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तमाम कप की दुकानें जो है वो यहाँ लगी हुई हैं। और वाजिब दामों में जो है वो कप यहाँ आपको जो है वो मिल रहे हैं। और काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें जो है वो लोगों ने कप की सजाई हुई हैं। फाइबर का भी सामान जो है वो आपको देखने को मिलेगा हर तरफ। इस तरफ जो है ये फाइबर जोन है, इस तरफ कप और फाइबर के तमाम सामान जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए ये कप का कितनी बेहतरीन दुकानें हैं और कितने बेहतरीन बेहतरीन जो कप है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और दूर दूर तक इसी तरह का एक अच्छा मार्केट जो है वो यहाँ पर सजा हुआ है। और यहाँ पर देखिए 5 रुपये में आपको हर माल मिल जाता है। और यकीन करिए कि 5 रुपये में आज के ज़माने में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इस दुकान में 5 रुपये में आपको तमाम चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। जो आपको पसंद आए, जो आपकी ज़रूरत का सामान हो, वो आप 5 रुपये में यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। मेले को जो है हर तरफ से जोन में बांटा हुआ है, एक तरफ फाइबर का सामान है तो एक तरफ कांच का सामान है, और इस तरफ जो है ये कपड़ों का जोन बनाया गया है। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के लिए जो है आप झाड़ी शाह बाबा की इस मेले से भी कपड़ों की खरीदो फरोख कर सकते हैं। इस साइड जो है तमाम कपड़े की दुकानें हैं, आप देख सकते हैं लेडीज़ और जीन्स तमाम तरह के जो कपड़े हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी बड़ा मेला है, देख करके अच्छा लगा कि संडीला के मशहूर मेलों में जो है, हरदोई ज़िले के मशहूर मेलों में इस मेले का शुमार किया जाता है। और देखिए काफ़ी जो है इस तरफ कपड़े की दुकानें, सब कपड़े की दुकानें। और मेले को अलग अलग जोन में बांटा गया है कि एक तरफ जो है
लेडीज़ से रिलेटेड तमाम सामान है, एक तरफ कपड़ों से रिलेटेड सामान है, एक तरफ फाइबर का सामान है, तो एक तरफ कांच का सामान है। तो काफ़ी अच्छा लगा है। कौन कौन हजरत झाड़ी शाह बाबा के इस मेले में घूम चुका है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी लोग जो है झाड़ी शाह बाबा के इस मेले को इस जो नज़ारा है ये देख सकें।